नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र से बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। विधानसभा से 12 विधायकों को निष्कासित करने के मामले पर अब बीजेपी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, ये बीजेपी की तरफ से कहा क्या है। बीजेपी ने यह साफ तौर पर कहा है कि दरअसल एक प्लानिंग के तहत बीजेपी के 12 विधायकों को निष्कासित किया गया है। लेकिन बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की करेंगे, जिसका विस्तार होने जा रहा है। बड़ा फेरबदल कैबिनेट में हो सकता है और उसका काउंटडाउन भी लगभग शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार करेंगे तो कई चेहरे सरप्राइज करने वाले होंगे। कई ऐसे चेहरे होंगे जो कैबिनेट में शामिल होंगे, जिसमें महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य नारायण राणे मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। राजधानी दिल्ली वो पहुंच चुके हैं और शाम 6 बजे तक ये तमाम नए मंत्री शपथ लेंगे। तो ये कैबिनेट का जो विस्तार हो रहा है, इसमें महाराष्ट्र के भी कई चेहरे शामिल हो सकते हैं। ना सिर्फ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, बल्कि इसके अलावा आपको बता दें, कई ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा फिलहाल चल रही है और ये माना जा रहा है कि वो चेहरे भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिसमें महाराष्ट्र से भागवत कराड हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा कपिल पाटिल, डॉक्टर भारती पवार भी मोदी कैबिनेट में इन्हें जगह दी जा सकती है, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य नारायण राणे को लेकर लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो अब केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा होंगे। राजधानी दिल्ली में वो फिलहाल हैं और आपको बता दें, 6 बजे तमाम जो ये मंत्री हैं, 43 मंत्री हैं, ये शपथ लेंगे। फिलहाल आपको बता दें, कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, जिसमें शिक्षा मंत्री हैं, इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, श्रम मंत्री संतोष गंगवार हैं, ये बड़े नाम हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो शाम 6 बजे तक मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। युवा चेहरे भी केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, इसको लेकर भी लगातार अटकलें तेज हो रही हैं। कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, मंत्रियों ने। तो आने वाले वक्त में काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है, जब ये 43 मंत्री जो हैं शपथ लेंगे, जिसमें महाराष्ट्र से कई बड़े चेहरे अब केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। तो फिलहाल 6 बजे का इंतजार है, जब ये तमाम चेहरे शपथ लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, महाराष्ट्र में सियासी घमासान भी लगातार जारी है। अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार आमने सामने है। हाल ही में जब महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, उसमें भारी हंगामा देखने को मिला। और आपको बता दें, बीजेपी विधायकों की ओर से महाराष्ट्र सदन में तमाम मुद्दों को लेकर जिक्र किया गया, शिवसेना को घेरा गया कि आखिर ओबीसी आरक्षण से लेकर मराठा आरक्षण, कृषि कानूनों को लेकर किस तरीके से काम किया गया है, क्या कुछ मुद्दे उनके थे, उसको लेकर तमाम सवाल शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार पर खड़े किए गए, जिसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में काफी हंगामा भी हुआ। लेकिन आपको बता दें, इस दौरान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं भास्कर यादव, उन्होंने ये आरोप बीजेपी के विधायकों पर लगाया कि दरअसल उन्हें गाली दी गई है और बदसुलूकी उनके साथ की गई है, और इन आरोपों के चलते उन्हें 12 बीजेपी के विधायकों को निलंबित कर दिया 1 साल के लिए, जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर, उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। आशीष सेलार, वो बीजेपी विधायक जिन्हें निलंबित किया गया है, उन्होंने अब कहा है कि ये जो पूरी कार्रवाई की गई है,
ऐसा पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और यह फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया है महाराष्ट्र में कि इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस उनकी अध्यक्षता में अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। जाहिर तौर पर यह जो पूरा मामला है साफ तौर पर दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं जिनको लेकर बीजेपी और शिवसेना खासतौर पर आमने सामने हैं, फिर चाहे वो सीबीआई का एक्शन हो, ईडी की रेड हो, लगातार उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किलों में घिरी हुई है और यहां तक कि मराठा आरक्षण से लेकर ओबीसी आरक्षण पर भी लगातार बीजेपी महाविकास आघाड़ी सरकार उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रही है। लेकिन जब विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और बीजेपी ने ये तमाम मुद्दों को लेकर जिक्र किया इन तमाम मुद्दों का, तो ऐसे में एक्शन जो है वो इस तरीके से दिखाई दिया कि 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया और तमाम बड़े आरोप उन पर लगाए गए। लेकिन इस पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये साफ तौर पर कहा कि ये तमाम आरोप झूठे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये पूरी कहानी बनाई जा रही है, बीजेपी के किसी विधायक ने गाली नहीं दी है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए हम 12 से ज्यादा विधायकों को त्यागने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। इस तरीके से 12 विधायकों को एक साल के लिए जो निलंबित किया गया है, इसके बाद ऐसा नहीं है कि बीजेपी उन तमाम मुद्दों को उठाना छोड़ देगी। जैसा कि शिवसेना और तमाम ये जो पार्टियां हैं एनसीपी और कांग्रेस पार्टी जो साजिश रच रही है कि इस तरीके से अगर विधायकों को निलंबित किया जाएगा तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे ही आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। फिलहाल आपको बता दें 12 विधायकों को एक साल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से स्पीकर ने निलंबित किया है, जिसमें आपको बता दें संजय कुंटे, आशीष सेलार, अतुल भातखलकर, पराग अल्वानी, विनय कुमार रावल, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं बीजेपी विधायकों के जिन्हें निलंबित किया गया है। तो यही घमासान है जो फिलहाल महाराष्ट्र में जारी है। जाहिर तौर पर एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि उनके मंत्री और नेता ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। उद्धव ठाकरे सरकार लगातार महाराष्ट्र में कमजोर हो रही है और ऐसे में बीजेपी को किस तरीके से कमजोर किया जाए इसके तमाम रास्ते उद्धव ठाकरे सरकार खोज रही है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खोज रहे हैं और ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। लेकिन आपको बता दें आशीष सेलार का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि दरअसल उन्होंने गलती नहीं की है, लेकिन बावजूद इसके विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनसे उन्होंने माफी भी मांगी थी। लेकिन किस तरीके से ये एक्शन लिया गया है, पूरी तरीके से तालिबानी जो शासन है वो महाराष्ट्र में चल रहा है और इस तरीके से बीजेपी को कुचलने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसको लेकर वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा था कि भले ही नो बॉल पर उन्हें आउट कर दिया गया हो, लेकिन अब वो दोनों हाथों से बॉलिंग करेंगे कि उनकी तरफ से कहा गया था। और फिलहाल जिस तरीके से 12 विधायकों को निलंबित किया गया है उसके बाद अब लगातार बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो भी महाराष्ट्र में जारी है। आपको बता दें बीजेपी जनता युवा मोर्चा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों को जिस तरीके से कथित दुर्व्यवहार का आरोप उन पर लगाकर उन्हें निलंबित किया गया है उसकी कड़ी निंदा की है और विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि इन 12 विधायकों का निलंबन वापस लिया जाए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है और उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ तमाम नारेबाजी की है और मांग यही है कि जो निलंबित किए गए हैं विधायक उनका निलंबन वापस लिया जाए, वरना बीजेपी अपनी ये लड़ाई लगातार जारी रखेगी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक स्थानीय निकाय चुनाव में मराठा और ओबीसी समुदाय के आरक्षण बहाल नहीं हो जाता तब तक बीजेपी का महाराष्ट्र में के विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की कड़ी निंदा हो रही है कि किस तरीके से वहां बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित किया गया है और वो भी इस तरीके से दुर्व्यवहार और तमाम गाली गलौज के आरोप लगाकर ये तमाम चीजें की जा रही है जो साफ तौर पर बता रही है कि डर कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे सरकार
गुजरात में बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उद्धव ठाकरे की खतरा मंडरा रहा है। संजय राउत से लेकर तमाम जो नेता हैं, फिर चाहे वो एनसीपी के बड़े नेता हो, अनिल देशमुख हो, डिप्टी सीएम अजीत पवार हो, या फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब हो, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र सरकार में जो इस वक्त मुसीबत में है, क्योंकि तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार उनके सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक केंद्रीय जांच एजेंसी उन पर शिकंजा कस रही है और उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि सवालों में उद्धव ठाकरे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और इन्हीं तमाम चीजों की बौखलाहट है, खीज है, जो इस तरीके से निकाली जा रही है। और अब 12 विधायकों को निलंबित किया गया है, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि वो अदालत का दरवाजा इसको लेकर खटखटाएंगी, अदालत पहुंचेंगी और ये लड़ाई उनकी जारी रहेगी। फिर चाहे शिवसेना एनसीपी कितनी भी कोशिश कर ले, उन्होंने साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह कहा गया है कि ये सिर्फ 12 विधायक निलंबित हुए हैं, लेकिन अगर इस लड़ाई को जारी रखने के लिए उन्हें और ज्यादा विधायकों को इस तरीके से निलंबित करवाना पड़े तो कोई बात नहीं है, वो इस लड़ाई को लगातार महाराष्ट्र में जारी रखेंगे। तो उद्धव ठाकरे सरकार की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा में ये बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन आने वाले वक्त में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी अब बीजेपी इस पूरे मामले पर कर चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।